अगर आप लामा रजा साकिब मुस्तफा साहब के शॉर्ट क्लिप सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप रोज हमारी नई वीडियो हासिल कर सकें। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा दिया। और आका करीम ने फरमाया, बाज़कात सुनाने वाला उस पर उतना पहुंच के अमल नहीं करता जितना फिर सुनने वाला उसके ऊपर आमिल हो जाता है। तो जब हुजूर ने दुआ दी है कि अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीस को, मेरे फरमान को सुना और ऐसे ही आगे पहुंचा दिया, तो फिर मौत की सख्तियां भी उसके चेहरे की तरोताजगी खत्म नहीं कर सकती, फिर कब्र के लम्हे भी उसके चेहरे की तरोताजगी को खत्म नहीं कर सकते। हशर के दिन लोगों के चेहरे मुरझाए होंगे, जिसको रसूलुल्लाह की दुआ है उसका चेहरा उस दिन भी तरोताजा हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन को सुनना, देखिए जो तफसीली उलूम हैं उनको हासिल करना सीखना ये हर एक के लिए फर्ज नहीं है, लेकिन जो ज़रूरियात दीन हैं उनको सीखना ये फर्ज ऐन है, ये हर एक के ऊपर फर्ज है। अगर कोई नहीं सीखता तो वो गुनहगार है। और उसमें नमाज के मसाइल हैं, रोज़े के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, अगर कारोबार करता है तो बे व शरा के मसाइल हैं, और कुफर इस्लाम की ज़रूरी ज़रूरी बातें हैं कि कुफर क्या है, इस्लाम क्या है। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं ईमानियात से जो ताल्लुक़ रखती हैं इनका सीखना जो है ज़रूरी उलूम का ये हर एक के ऊपर फ़र्ज है। तो इसलिए आप लोग अपना वक्त कुछ निकाल करके जो है वो इसके लिए सर्फ करें और ज़रूरियात दीन सीखने के लिए कुछ फुर्सत के लम्हे निकालें। लोग कितने कितने तवील डिप्लोमे करते हैं, कारोबार सीखते हैं, किन किन उलूम में महारत है जो हमारे लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी है। किसी नौजवान के पास बैठ जाओ ना तो वो तुम्हें बताएगा कि किस क्रिकेटर ने किस मैच में कितने स्कोर किए थे। लोगों की यहाँ तक मालूमात हैं, और वो 15 साल पुराना मैच है, उसके अंदर किसने कितने आउट किए थे, कितने विकटें ली थी, कितने जो है वो उसने स्कोर किए थे, और उसकी पूरी ज़िंदगी के स्कोर कितने हैं, कैसी कैलकुलेशन है और किस कदर लोगों का पक्का हिसाब है। ये वो चीज़ है जिसका ना दुनिया में फ़ायदा ना आखरत में फ़ायदा, लेकिन दिलचस्पी है ना, जिस चीज़ से दिलचस्पी हो तो वो चीज़ खुद ब खुद अजबर होती चली जाती है। दिलचस्पियाँ इंसान को जो है वो किसी चीज़ को याद करने में मदद देती। एक अरब शेख कह रहा था कि हम माजी में पढ़ते थे कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग एक एक रात में पूरा कुरान ख़त्म कर लेते थे। तो वो कहता, मैं सोचता था कि सारी रात कुरान बंदा पढ़ता रहे तो किस तरह मुमकिन है। तो कहता, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि वो जो है वो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं और फजर की अजान हो जाती है तो वो तब चौंकते, अच्छा रात गुजर गई। तो मैं कहता हूँ नौजवान की दिलचस्पियाँ कुछ और हैं, और वो भी उस शगफ की वजह से ऐसा खुबा कि रात गुजर गई और उसको पता ही ना चला। तो जिनको कुरान का नशा हो गया था उनकी सारी रातें कुरान में गुजर जाती थी और उनको पता ही नहीं होता था कि रात भी गुजर गई है, और अजान होती तो फिर पता चलता कि अच्छा रात गुजर गई है। तो ये शौक अगर पैदा हो, शौक तो देखिए ये गेमों का पैदा हो जाए, खेलों का पैदा हो जाए, तो वो इंसान को क्या कुछ सिखा देता है। और जिसके सीने में किताबुल्लाह का शौक पैदा हो जाए तो फिर क्यों ना उसके सीने के अंदर जो है वो तलब किताबुल्लाह की तिलावत की पैदा होगी। तो अपने सीनों में इल्म हासिल करने का शौक पैदा करो, इल्म सीखो, अपनी नस्लों को सिखाओ, अपनी औलादों को दीन सिखाओ, अपनी औलादों को नमाज का खूगर और आदि बनाओ, इनको खींच खींच के नमाज की तरफ ले जाओ, ये आदि बन जाए नमाज के, ताकि बाद अज़ इंतकाल दुआओं के सिलसिले जारी रहें।